Hello, 6th standard. Let us today go through with lesson number 3 of civics. I hope you people have finished your history question answers. I have already given PDF and you got enough days to complete them. Right? Okay. Now, in our civics lesson number 3, we are done with lesson 2 of civics, 1st and 2nd. So we will go with lesson number 3 today. Okay? Now, with the title itself, it's a very interesting topic. What is government? Okay, government kya hai? Okay, see, agar main kahun ki hamara jo school hai, hum work kar rahe hain, aap as a student school mein jaate ho, to wo bhi to ek government ki tarah hi kaam karta hai. Right? Like, har ek state mein chief minister hote hain. ओके उसी तरह आपकी हर एक क्लास है आप लोगों की, तो हर क्लास को अगर हम स्टेट देखें और हर क्लास टीचर विल बी कंसीडर्ड एज चीफ मिनिस्टर. राइट? अब चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, लाइक गुजरात का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए. राइट? सो प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ? दैट इज द मेन पर्सन ऑफ होल इंडिया. ओके, वन मेन लीडर ऑफ होल इंडिया. राइट? द सेम थिंग वी कैन टेल क्लास टीचर को, अगर कोई डिसीजन लेना हो तो क्लास टीचर डिस्कस द होल थिंग विद प्रिंसिपल मैम. राइट? अब प्रिंसिपल मैम, और आई कैन टेल, अगर चीफ मिनिस्टर कहीं कंफ्यूज हो जाए या चीफ मिनिस्टर को कोई डिसीजन देना हो तो चीफ मिनिस्टर किसके साथ डिस्कस करता है? प्रेसिडेंट के साथ. अंडरस्टूड? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंटली इट इज कोविंद, मिस्टर कोविंद. राइट? सो यही बात अगर हम स्कूल के रिलेटेड करें, इफ प्रिंसिपल मैम विल प्रिंसिपल मैम हैव टू टेक सर्टेन डिसीजन और शी हैज टू टेक विद सर्टेन डिस्कशन ऑन एनी इशू, तो प्रिंसिपल मैम किसके साथ डिस्कस करेंगे? चीफ मिनिस्टर प्रेजिडेंट के साथ करेंगे, तो प्रिंसिपल मैम भी तो ट्रस्टी के साथ करेंगे. दैट कम्स टू निर्मल सर. ये सब लोग ओके. सो निर्मल सर ट्रस्टी है, और इंडिया में कंपेयर करें तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से नीचे अगर जाए तो चीफ मिनिस्टर, एंड इन स्कूल साइड वी कैन टेल प्रिंसिपल. ओके, प्रेसिडेंट से, सॉरी, चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, दैट इज नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर, पीएम. ओके, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी एक टीम होती है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए 100% वर्क करता है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इन आवर स्कूल, इन स्कूल अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल के पास भी अपनी एक टीम है. वी कैन कंसीडर क्लरिकल स्टाफ. राइट? दोज हु टेक केयर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑफ राइटिंग नोट्स, ऑफ मीटिंग्स एंड एवरीथिंग. राइट? स्कूल का पूरा रिकॉर्ड वो क्लरिकल स्टाफ रखता है. इन द सेम वे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो है वन टीम, उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जा सकता है, जो अलग अलग टॉपिक्स का ध्यान रखते हैं. अलग अलग टॉपिक्स मतलब, जैसे इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ स्कूल ओनली, नाउ क्लरिकल में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं. लाइक वन इज बिजी विद मेकिंग पेपर्स, सेकेंड इज बिजी विद कलेक्शन ऑफ फीस, थर्ड इज बिजी विद एडमिशन, फोर्थ इज बिजी विद गिविंग यू GR नंबर्स. ओके, देन फिफ्थ माइट बी बिजी विद कीपिंग योर होल रिकॉर्ड ऑफ योर हाउस एड्रेस एंड ऑल. ओके, सिक्स्थ माइट बी बिजी विद टाइम टेबल ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड ऑल. राइट? तो हर एक क्लरिकल में ड्यूटी डिवाइड की गई है. उसी तरह से गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी अकेला प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर को
कई सारे ऐसे लोग चाहिए जो ऑनेस्टली उनके लिए काम कर सके. ओके, सो ही सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू डू वर्क रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी रिलेटेड काम. देन ही अपॉइंट मिनिस्टर रिलेटेड टू हेल्थ, दैट इज हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स को भी, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को कहाँ पर अपॉइंट करना, क्या हेल्थ मिनिस्टर वी कैन टेल. ओके, ही इवन अपॉइंट्स वी कैन टेल फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जो एजुकेशन के बारे में जानेगा, राइट. तो जिस तरह से प्रिंसिपल का पूरा टीम होता है इन स्कूल, उसी तरह से चीफ मिनिस्टर का भी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर का भी पूरा एक टीम होता है. अंडरस्टूड ना? होप यू अंडरस्टूड. प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर विद फुल टीम, राइट. अब प्राइम मिनिस्टर के नीचे वी कैन टेल कम टू चीफ मिनिस्टर्स. ओके, नाउ चीफ मिनिस्टर्स विल बी कंसीडर्ड एज ऑल क्लास टीचर्स एंड ऑल, अंडरस्टूड. ऑल एल्स वी कैन टेल, अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अगर हमें सेलेक्ट, सपोज ओके फाइन, चीफ मिनिस्टर कंसीडर ऑल, अगर हम सभी क्लासेस को अलग अलग स्टेट्स का नाम दें, ओके, वन क्लास, क्लास फिफ्थ एज गुजरात, क्लास सिक्स्थ एज महाराष्ट्र, क्लास सेवन्थ एज उत्तर प्रदेश, क्लास एट्थ एज पंजाब, एक्सेट्रा. ओके, तो अलग 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 क्लासेस को अगर अलग अलग स्टेट्स का नाम दें, तो अलग अलग क्लासेस आर हैविंग देयर क्लास टीचर्स, और क्लास टीचर्स मतलब चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो एक लीडर है, अंडरस्टूड. अब एज अ क्लास टीचर, से लाइक सपोज इफ आई एम क्लास टीचर ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड, तो आई एम क्लास टीचर ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड, बट आई कैनॉट गो विद ऑल द सब्जेक्ट्स टूगेदर विद यू, राइट. तो मैंने क्या, मेरे साथ भी एक टीम है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, राइट. जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के साथ अलग अलग टीम, अलग अलग लोग जुड़े हैं, उसी तरह से चीफ मिनिस्टर के साथ भी अलग अलग पीपल ज्वाइन हुए हैं. ओके, नाउ ये जो अलग अलग लोग हैं, से लाइक आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, वो चीफ मिनिस्टर, दैट इज क्लास टीचर का एक पूरा ग्रुप होगा, अंडरस्टूड. क्लास टीचर एंड कलीग्स ऑफ क्लास टीचर, दैट इज अदर टीचर्स हु विल कम एंड टीच यू योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अंडरस्टूड एवरीवन. ओके, सो क्लास टीचर दैट इज चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की जो पूरी टीम होती है, वी कैन टेल, से लाइक सपोज अगर हम गुजरात की बात करें, ओके, इफ आई टॉक अबाउट गुजरात, तो गुजरात में वी कैन टेल द कंप्लीट प्रोसेस, वी कैन टेल गुजरात में विजय रूपानी इज द सीएम, चीफ मिनिस्टर, राइट. अब विजय रूपानी के पास भी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के पास कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, विजय रूपानी इज ऑल्सो हैविंग सर्टेन लीडर्स विद हिम, ओके, हु टेक्स केयर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. ओके, नाउ दैट इज वन थिंग, बट गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है, गुजरात में कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अंडरस्टूड. अब कई डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें गुजरात में, तो वी कैन टेल गुजरात में लाइक वी आर लाइक नवसारी, वलसाड, दिस काइंड, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ओके, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को भी कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में भी एक एक लीडर चूज किया गया है, अंडरस्टूड. लीडर्स हैं जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ध्यान रखेंगे. ओके, कंसीडर होल योर स्कूल एज गुजरात. ओके, मान लीजिए आपका पूरा जो स्कूल है, अगर हम उसको गुजरात ही कंसीडर करें,
तो उसमें चीफ मिनिस्टर कौन होगा? फॉरगेट अबाउट ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल, क्योंकि उनको तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह मान लिया, ट्रस्टी एंड प्राइम मिनिस्टर, राइट? बट अगर हम एक स्टेट की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट वन स्टेट, तो इफ यू से आप होल स्कूल एज वन स्टेट, तो ये पूरे स्टेट के जो एक ही चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो होंगे आपके कोऑर्डिनेटर्स, अंडरस्टूड? तो वो चीफ मिनिस्टर्स और उनके नीचे जो होंगे, दैट इज ऑल जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स। सी, अब आप आपकी सारी जो क्लासेस हैं, अगर आप वो सारी क्लासेस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करें, तो ऑल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आर हैविंग डिफरेंट MLAs, ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो डिफरेंट MLAs जो है, कंसीडर ऑल क्लासेस एज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, तो ऑल क्लास टीचर्स विल बी MLAs, राइट? अब MLA क्या करेगा? अपने डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखेगा वो, राइट? उसी तरह से क्लास टीचर क्या करते हैं, वो अपनी क्लास का ही ध्यान रखते हैं, यस और नो? और अपनी क्लास का ध्यान रखते हैं तो वो अपनी क्लास को किस तरह हैंडल करेंगे? दे कैन गो ऑन अपॉइंटिंग सर्टेन स्टूडेंट्स एज मॉनिटर्स और चेकिंग इंचार्ज और टॉकिंग इंचार्ज एंड ऑल, ओके? तो MLAs के अंदर भी एक ग्रुप है जो विलेजेस, टाउन्स, सिटीज के देखभाल करते हैं। वी कैन कंसीडर सरपंच एंड पंचायत एक्सेट्रा, अंडरस्टूड? तो क्लास टीचर अब हमेशा तो क्लास में नहीं रहेंगे, उनको इधर उधर जाना आना पड़ता है, किसी और क्लास में जाना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, अपनी एब्सेंस में किसी मॉनिटर को खड़ा कर जाते हैं। सो द सेम थिंग, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में कई सारे टाउन्स, सिटीज एंड विलेजेस इंक्लूडेड होते हैं, राइट? अब वो विलेजेस इंक्लूडेड होते हैं तो विलेजेस को कंट्रोल करने के लिए भी तो लीडर चाहिए, यस और नो? ओके, सो इसी तरह से जिस तरह से हम वर्किंग पीपल देखते हैं हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है, अंडरस्टूड? लेट अस गो थ्रू विद चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स, दैट इज फ्रॉम योर पेज नंबर 27, इट इज हियर, व्हाट इज गवर्नमेंट, ओके? लेट अस गो थ्रू। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postals and railway services. Postals, we can tell post service, railway service, then if any basic thing is becoming very expensive, to usko cheap karne ka bhi usko uska rate sasta, that is bahut mehenga kisi ka rate ho jaye to usko rate thoda decline karna. So government is doing so many activities, okay? On page number 28, the government also has the job of protecting the boundaries of country and maintaining peaceful relations with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters such as tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in the court. Courts are also part of government. So government bahut kaam karte hain,
right from prices of certain commodities, then postal service, then railway service, then government even protect boundaries of country and maintain peaceful relation with other neighboring countries. Okay, apart from that, government even take care of all the citizens, that all citizens must get at least basic things. उनको दो वक्त का खाना अच्छे से मिले उसका भी गवर्नमेंट ध्यान रखते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ एनी देयर इज नेचुरल डिजास्टर, सुनामी है, अर्थक्वेक है, जिसकी वजह से लोगों के घर टूट जाए, तो वो लोगों को अच्छे से घर, मतलब थोड़ा रहने का या फिर खाने का अरेंजमेंट गवर्नमेंट करके देते हैं. ओके, गवर्नमेंट टेक केयर्स ऑफ दोज पीपल, those who become victim of natural disaster. Okay, then अगर किसी ने क्राइम किया है तो पीपल गो टू कोर्ट. ओके, किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसके खिलाफ केस फाइल होता है, तो उसको कोर्ट में प्रेजेंस किया जाता है. तो वो कोर्ट में प्रेजेंस करना और कोर्ट के जो जजेस डिसीजन सुनाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली. ओके, perhaps you are wondering how government managed to do all this and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, human their needs to be some amount of organization so that decisions can be made. See, jab itne sare log, after all India mein bahut badi population hai, राइट, अगर लोगों को काउंट करें तो इट इज़ इन करोड़ एंड करोड़. ओके, तो इतने सारे लोगों को अगर मैनेज करना है तो देयर माइट बी सर्टेन लीडर्स अपॉइंटेड इन एरियाज सो दैट दे कैन गो ऑन हैंडलिंग दैट एरिया. राइट, सेम थिंग हैपन्स इन स्कूल ऑल्सो, लाइक इफ स्कूल इज सेटअप बाय ट्रस्टी और प्रिंसिपल, they are not able to run school or they are not able to go with each and every subject with every one of you at a time. Ek time pe har ek subject har ek bacche ko karana un dono ka kaam nahi hai, it is not possible. So they need a full team. Okay, subject wise they need experts, those who can make children study well. The same thing, government also needs certain ministers, those who can handle area-wise their duties. Understood? Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Government can do this on behalf of their people and by exercising leadership, taking decision and implementing these among all the people living in their territory. See, kuch rules banane bahut important hote hai, like government had made rule wearing helmets while riding a bike and all is compulsory. That is, government ko usse koi fayda nahi hai, but it is like government want people should be safe on road. Okay, and due to road accident, due to injury in head, people die on the spot. So government makes certain rules for protection of life of people. Okay, so decision diya jata hai, kuch plan kiya jata hai logon ki bhalai ke liye, aur fir wo decision ko implement kiya jata hai. Matlab decision le liya, ab wo decision ke upar kaam karna. Understood? काम किया जाता है और लोगों की लाइफ को बेटर बनाया जाता है. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दीज? द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, at the local level, at the level of state and at the level of nation, that is national level.
सो गवर्नमेंट तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट को, लोकल लेवल, स्टेट लेवल. लोकल लेवल वी कैन टेल तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट. ओके, डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो छोटे छोटे एरियाज को मैनेज करने के लिए मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं. स्टेट लेवल वी कैन टेल राज्य. ओके, गुजरात का गवर्नमेंट अलग है, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट अलग है, उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट अलग है, हरियाणा का गवर्नमेंट अलग है. ओके, सो दैट इज स्टेट लेवल. एंड द थर्ड वन इज नेशनल लेवल. वी कैन टेल बीजेपी वन इन इलेक्शन. सो बीजेपी हैड अपॉइंटेड नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर. सो बीजेपी इज रूलिंग पार्टी इन इंडिया. ओके, दैट इज बीजेपी को ज़्यादा वोट्स मिली थी, राइट? तो बीजेपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज दैट गवर्नमेंट विच इज वर्किंग एट नेशनल लेवल. और लाइक नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो कोई भी डिसीजन सुनाए, उस डिसीजन को इंडिया का हर एक स्टेट को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है. लाइक ड्यू टू दिस कोरोना वायरस सडनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड लॉकडाउन एंड ऑल द स्टेट्स फॉलोड दैट लॉकडाउन इमीडिएटली, राइट? सो वट एवर डिसीजन इज सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, होल इंडिया, ऑल स्टेट्स हैव टू फॉलो. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ इंडिया हैज टू फॉलो डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, अब स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन दे तो पूरा स्टेट को वो डिसीजन मानना पड़ेगा. ओके, सो देन द स्टेट. ओके, द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी. द स्टेट लेवल वुड मीन विच कवर्स द एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, आसाम एक्सेट्रा. एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री. ओके, नेशनल लेवल एंटायर कंट्री. यू कैन सी मैप बिलो ऑन दिस पेज. Total country, this is national level. Okay, then later in this box you will read about how local government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how government functions at the state and central level. See, इस book में आप क्या पढ़ने वाले हो, इस book में आप ज़्यादातर लोकल लेवल के गवर्नमेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हो. इन फर्दर नॉट क्लासेस यू विल गो थ्रू विद स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल गवर्नमेंट ऑल्सो. ओके, दैट वॉज फॉर टूडेज वीडियो. ऑब्जर्व दिस मैप ऑफ पेज नंबर 29 एंड वेरी केयरफुली विद पेज नंबर 30. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेसन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ. थैंक यू.